गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल। क्लास एट्थ की जो हम सब्जेक्ट इंग्लिश का जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे, शॉर्ट स्टोरी द अनथैंकफुल मैन, पेज नंबर 78 पे, तो हमने ये पढ़ी थी। यहाँ तक पेज नंबर 80 तक हमने ये पढ़ी थी कि किस तरह से जो रमन है, वो जो पुअर मैन होता है, वो टाइगर के पास जाता है। टाइगर फिर उसको नेकलेस देता है। फिर नए जो रमन है वो नेकलेस लेके फिर गोल्ड स्मिथ के पास जाता है उसको बेचने के लिए। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है वो नेकलेस राजा को दे देता है। उसे बताता है कि रमन ने तुम्हारे बेटे का मर्डर किया है, प्रिंस को मार दिया है। तो जो राजा होता है वो रमन को जेल में बंद कर देते हैं। फिर रमन जो है उसको स्नेक की याद आती है कि स्नेक ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर रमन जो है वो स्नेक को बुलाता है। तो स्नेक जब उसके पास आता है तो फिर स्नेक बोलता है उसको कि मेरे पास एक प्लान है उस प्लान की वजह से तुम बाहर आ जाओगे। फिर वो बोलता है कि आई हैव ए प्लान, कि मेरे पास एक प्लान है कि आई वाज स्लिप इनटू द क्वींस चैम्बर, में रानी के कमरे में चला जाऊंगा और उसे काटूंगा, कि जो मेरा जहर है उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो क्या हो जाएगी, बेहोश, अनकॉन्शियस होता है, बेहोश हो जाएगी। जो किंग है वो बड़ा दुखी हो जाएगा और कोई उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो हाउएवर इफ़ यू टच हर फोरहेड, अगर तुम उसके माथे को टच करोगे तो वो जाग जाएगी। तो इससे राजा खुश हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। स्नेक देन स्लिदर्ड अवे इनटू द क्वींस चैम्बर एंड बिट हर। स्नेक जो है वो रानी के कमरे में चला जाता है, उसको काट देता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, पेज नंबर आपका है 81। तो इसके आगे हमने रीडिंग करनी है कि इसके आगे क्या होता है। फिर द क्वीन फेल अनकॉन्शियस। जब जैसे ही वो स्नेक जो प्लान बनाता है कि मैं उसको काटूंगा, फिर तुम आना और तुम उसके फोर हेड को टच करना तो वो ठीक हो जाएगी, उसी तरह से फिर जब रानी जो है वो द क्वीन फेल अनकॉन्शियस होती है, वो रानी जो होती है वो क्वीन होती है, राजा की वाइफ होती है, वो बेहोश होती है। हर मेड्स इन्फॉर्म द किंग, जो उसकी नौकर होती है, नौकरानी होती है, उस क्वीन की मेड होती है जो, वो राजा को बताती है क्योंकि सांप ने उसको काट दिया है और वो बेहोश हो गई है। तो जो उसकी मेड है, उसकी जो काम करने वाली है, वो राजा के पास जाती है। द किंग कॉल्ड द डॉक्टर्स टू केयर हर फॉर द स्नेक बाइट। फिर राजा जो है डॉक्टर को बुलाता है और बोलता है कि मेरी वाइफ को स्नेक ने काट लिया है, तुम उसको उससे बचाओ। बट दे कुड नॉट क्योर हर, लेकिन डॉक्टर उसको नहीं ठीक कर पाते हैं। तो उनकी ये स्नेक की प्लानिंग होती है ना कि तुम ही उसके सर पे हाथ रखोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसी तरह फिर राजा को जब चलता है कि मेरी वाइफ को स्नेक ने काटा है, तो वो डॉक्टर को बुलाता है लेकिन डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग, जो जहर होता है सांप का वो जल्दी जल्दी जो होता है वो फैल रहा होता है, स्प्रेडिंग होता है, फैलना, तेजी से फैल रहा होता है। द किंग ग्रू सैड, जो राजा है, किंग है, वो बहुत ही सैड हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। ही मेड एन अनाउंसमेंट, फिर वो अनाउंसमेंट करता है, ठीक है, वो एक अनाउंसमेंट करता है दैट इफ एनीबॉडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन द पर्सन वुड गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड। फिर वो एक अनाउंसमेंट करवाता है, एक ऐलान करवाता है कि अगर कोई भी मेरी वाइफ, मेरी रानी को ठीक करेगा, कोई क्योर होता है, ठीक करेगा, द पर्सन, उस आदमी को, हु गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड, मैं उसको एक बहुत ही अच्छा इनाम दूंगा, ठीक है। राजा बोलता है, राजा एक ऐलान करवाता है कि जो कोई मेरी रानी को ठीक करेगा उसे मैं एक बहुत ही सुंदर सा रिवॉर्ड दूंगा, रिवॉर्ड था इनाम। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन, जो ऐलान जो था वो जेल में भी करवाया गया, ठीक है, कैदियों में भी ये ऐलान हो गया कि जो कोई राजा की वाइफ को, राजा की रानी को ठीक करेगा उसे राजा जो है बड़ा इनाम देंगे। रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू केयर द क्वीन, जो रमन है वो बोलता है कि क्या मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि स्नेक ने उसको बताया होता कि तू ऐसे ऐसे करना। फिर वो जो रमन है वो बोलता है, उनको सिपाहियों को बोलता है, क्या मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। ही वॉज टेकन टू द क्वींस चैम्बर, फिर रमन को रानी के कमरे में लेके जाया जाता है। ही टच द क्वींस फोरहेड, फिर वो रानी के माथे को टच करता है। उसको स्नेक ने जैसे बताया था, उसको ये स्नेक का प्लान था, तो फिर जो प्लान के मुताबिक जो रमन है वो रानी का जो माथा है उसको हाथ लगाता है। इमिडिएटली द क्वीन ओपन्ड हर आइज, और अचानक क्या होता है, रानी अपनी आंखें खोल देती है। शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट, जो सांप के काटने से उनको, जहाँ सांप के काटने की वजह से भी वो ठीक हो जाती है।
तो उसको सांप ने जब काटा था तो उसने रमन को कहा था कि सांप ने कि जब मैं काटूंगा तो कोई इसको ठीक नहीं कर पाएगा, तुम उस पर हाथ रखना वो ठीक हो जाएगी। तो रमन भी वही करता है, जब वो रानी के सर पे हाथ रखता है तो वो अचानक जो है वो उठ जाती है और वो ठीक हो जाती है। द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन, इससे क्या होता है राजा जो है वो रमन से बहुत ही खुश हो जाते हैं। ही आस्क्ड हिम, उसने उसको कहा, राजा क्या बोलते हैं उसको, हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन, तुम जेल में क्या कर रहे हो, तुम इतने अच्छे इंसान हो कि तुमने मेरी बीवी को ठीक कर दिया तो तुम जेल में क्या कर रहे हो। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैपन टू हिम इंक्लूडिंग द गोल्डस्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस। रमन जो है फिर सब कुछ बताता है राजा को, जो भी उसके साथ हुआ कि किस तरह से कुएं में से उसने शेर और सांप को, बंदर को, एक गोल्डस्मिथ को जो सोना चांदी का व्यापार बिजनेस करता है उसको बाहर निकाला मैंने, और वो भी बताता है कि किस तरह से मैं हार बेचने के लिए गोल्डस्मिथ के पास गया तो उसने उल्टा ही मुझे फंसा लिया। हियरिंग हिज स्टोरी द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्डस्मिथ, ये सब स्टोरी सुनने के बाद जो राजा था वो उस गोल्डस्मिथ से गुस्सा हो गया। ही सेंट हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्डस्मिथ, फिर वो राजा जो है अपने गार्ड्स को भेजता है उस गोल्डस्मिथ को अरेस्ट करने के लिए क्योंकि उसने झूठ कहा होता है। यू आर अ क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन, राजा उसको गोल्डस्मिथ को बोलता है कि तुम एक जालिम और एक नाशुक्रगुजार आदमी हो। यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, तुमने इस आदमी के खिलाफ पे रॉन्ग चार्जेस लगाए हैं, गलत चार्जेस लगाए हैं इस ईमानदार आदमी के लिए, इस ये जो इनोसेंट होता है जो जो कि बहुत ही शरीफ आदमी होता है, तुमने शरीफ आदमी के ऊपर तुमने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ, इस आदमी ने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, जब वो कुएं में गिरा होता है तो उसको वही बचाता है ना रमन, तो वही राजा उसको बोलता है गोल्डस्मिथ को कि तुम भूल गए कि इस आदमी ने तुम्हारी एक बार मदद की थी। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम यू टोल्ड अ लाई अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड, इसकी मदद करने के बजाय तुमने इसके लिए झूठ बोला और उसको तुमने अरेस्ट करवा दिया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द जेल, राजा उसको बोलता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी तुम अपनी जेल में ही बिताओगे। द किंग सेड टू द गोल्डस्मिथ, जो किंग ने फिर गोल्डस्मिथ को कहा, क्योंकि गोल्डस्मिथ ने झूठ कहा था कि इसने प्रिंस को मार दिया, फिर जब राजा को सच्चाई का पता चलता है तो राजा उसको बोलता है कि तुम्हें इसकी मदद करने की बजाय तुमने उल्टा इसी को अरेस्ट करवा दिया, इसी पे झूठ बोला है, जाओ अब तुम पूरी जिंदगी जो है तुम जेल में ही रहोगे। देन द किंग टर्न टू रमन अ गिव ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, ठीक है, फिर रमन ने, राजा ने क्या किया, रमन एंड गेव हिम ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, राजा ने फिर रमन को सोने से भरे हुए सिक्के का बैग दे दिया। गो होम एंड लिव हैप्पीली, उसको रमन को बोला उसने, जाओ तुम घर जाओ और खुश रहो। ही सेड टू हिम, रमन थैंक द किंग एंड फेंट होम, रमन जो है वो राजा का शुक्रिया करता है और अपने घर चला जाता है। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके बाद उसकी वाइफ और वो हमेशा खुश रहे। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कोई अगर आपके साथ अच्छा करता है तो उसके बदले में उसके साथ अच्छा करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि आप कोई अगर कोई आपके साथ गलत करेगा तो आप भी गलत करोगे उसके साथ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उल्टा कि अगर आपने हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, जहाँ तक आपके बस में हो आप किसी की हेल्प करिए, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो। अगर कोई आपसे गलत भी करता है, आपसे झूठ बोलता है या कुछ करता है तो उसको प्यार से समझाओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जितना भी अपने हाथों हो जितना भी आप तक हो वो किसी की मदद करनी चाहिए। अगर किसी ने आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ मदद की है, आपके साथ अच्छा किया है, तो आपको उससे अच्छा करना चाहिए, और आपकी जो अच्छाई है वो कहीं नहीं जाती है, वो हमेशा आपके लिए आपको मुश्किलात में आपका साथ देगी। तो इस स्टोरी में हमने यही पढ़ा कि किस तरह से जो रमन है वो जो गरीब आदमी है वो सबकी हेल्प करता है, टाइगर की हेल्प करता है, टाइगर भी उसके बदले में उसकी हेल्प करता है, मंकी की हेल्प करता है, मंकी उसके बदले में उसको मैंगो देता है, स्नेक की हेल्प करता है तो स्नेक उसको बदले में क्या देता है, उसको जेल से बाहर निकालता है। लेकिन जो मैन होता है, आदमी जिसको वो बाहर निकालता है, वो उसके हेल्प करने की बजाय उसको धोखा देता है। तो इसीलिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। कल मैं आपको इसके आगे इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा।
थैंक यू।